अब आपके शहर सागर में डाइट रेस्टोरेंट सुविधा के साथ अनुभवी ट्रेनरों सहित जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम, पता याद रखें, राजघाट रोड तिली वार्ड सागर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बेमौसम हुई बारिश और ओलों ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया, जिससे किसान बर्बाद हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला दमोह जिले से सामने आया, जहां ट्रैक्टर ट्राली में रखी फसल में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इस आगजनी से किसान को खासा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि दमोह जिले के घटेरा गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब बिजली के तार से टकराने से ट्रैक्टर ट्राली में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जहां ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका और किसी तरह से ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से ट्रॉली को खुले मैदान में ले जाया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मतलब जी फसल में गेहूँ की ट्रॉली लेके आ रहे थे गांव से, हार से खेत से ला रहे थे घर, घर लाज में से ही देखो कैसे सड़क पकड़ी लें, सड़क पे आए तो बड़ी लाइन के तार हते, तारों में से स्पारिंग भई डीपी के सामने, गांव के रास्ता के सामने, जैसे टाली गुजर रही थी उसके पर आ गिरी, तो कैसे पर टाली पे गिरू, टाली से फिर आग लग गई। लोग कहने लगे कि देखो आग लग गई, आग लग गई। तो फिर थोड़ी सी मतलब 200 मीटर आगे बढ़ा के गाँव की बचत कर हैं। कितनी फसल जली उसमें से, एक टाली की पूरी और सो कितने का नुकसान, 12 बोरा। लेकिन इतना जरूर है कि प्रदेश में बढ़ रही आगजनी की घटनाओं से किसानों की कमर जरूर टूट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ, पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे तिली रोड सागर मध्य प्रदेश।